अच्छा तो आज आप क्या बना रही हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम भोपाली हैं, तो आज मैं आपको पुलाव बना रही हूँ, भोपाली स्टाइल का पुलाव। ठीक है। और उसके साथ हैं शामी कबाब। ठीक है, है तो तरकीब बहुत आसान सी, लेकिन एक हमारा खास। अच्छा, आप लोग का ये खास होता है? खास होता है, और ये बनता है बकरे के सीने के गोश्त से। अच्छा, तो इसमें आप कोई और गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते? करती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है आजकल खाते नहीं है, लेकिन बेसिकली ये उसी से बनता है। अच्छा, तो अब आपने क्या गोश्त गला के रख लिया है? मैंने गोश्त गला के रखा है, थोड़ा सा गला के रखा है, थोड़ा भी आप लोगों के सामने ठीक है करूँगी इंशाल्लाह। यखनी चढ़ाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये गोश्त था, इसमें मैंने प्याज डाली, एक किलो गोश्त था, और एक ही किलो मैं चावल भी लूँगी। ठीक है, इसमें दो मीडियम प्याज हमने डाली थी, इसमें हमने सारा साबित गरम मसाला डाल दिया। आपने इसमें डाल दिया प्याज? सब कुछ डाल दिया, अदरक लहसुन डाला, साबित अदरक, साबित लहसुन, पूरा साबित गरम मसाला, दो प्याज और सौंफ। और साबित गरम मसाला में हर चीज़? हर चीज़ है, और मतलब जैसे तीन चार आप बड़ी इलायची ले लें, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें, एक तेज़ पत्ता ले लें, इस तरह करके सारी चीज़ें आपने डाली। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून सौंफ डाली, 2 टेबलस्पून धनिया डाला। सौंफ भी आपने डायरेक्ट डाल? नहीं, पोटली बना, पोटली। हाँ, तीन चीज़ों की पोटली बनती है ना, सौंफ, धनिया, ज़ीरा। ओके, उनकी हमने पोटली बना के डाल दी, और हमने बस इसको फिर यखनी बना ली। ठीक, यखनी हमने इतनी बनाई कि गोश्त थोड़ा सा बस कसर रह जाए, कि वो चावल के साथ पक जाए। ठीक है, ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। बताना हमें अपनी घर की स्पेशलिटी यखनी पुलाव बता रही हैं। तेल डाला आपने? एक कप तेल डाला है, इसमें 2 प्याज फ्राई करेंगे, 2 प्याज। ठीक है, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ठीक है, गोल्डन फ्राई करेंगे, थोड़ी सी निकाल लेंगे जो हम ऊपर दम पे लगाते हैं। ठीक, बाकी इसी में हम सब भून लेंगे। प्याज में थोड़ा सा लगता है टाइम प्याज फ्राई होने में, बाकी तो फिर जल्दी जल्दी सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप कुकिंग अपनी खुद ही करते हो? जी, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी हेल्पर्स हैं। अच्छा, लेकिन मेन कोर्स जैसे होता है ना, वो मैं करती। अच्छा, जैसे मेरे बच्चे और मियाँ जो हैं वो। और आपके घर में जितनी देवरानी है सब अपना अपना खुद पकाती? अपना अपना खुद, और मतलब वो भी अपनी ही खुद पकाती हैं? खुद पकाती हैं, जी हाँ, सब बिल्कुल माशाल्लाह, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती हैं। आप लोग के घर में कुक का दस्तूर नहीं है? नहीं। ये अच्छी बात है, और आप तो केटरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो फरजाना किस चीज़ की केटरिंग करते हो? आप तकरीबन 100 लोगों तक की तो मैं खुद कर लेती हूँ, हर तरह की माशाल्लाह, मतलब खाने से लेके हाई चीज़ वगैरह, उसके बाद की जो होती है वो फिर मेरे देवर लोगों का काम है, वो लोग करते हैं। नहीं तो आप केटरिंग मतलब क्या क्या केटरिंग में, आप जैसा अगर हमें आपको ऑर्डर देना हो तो आप केटरिंग में क्या क्या बनाते हो? आप अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ बना, कुन्ने के अलावा, क्योंकि कुन्ना ज़ाहिर है वो टेस्ट नहीं आता घर में, लेकिन मेरे पाए बहुत मशहूर हैं माशाल्लाह, यानी कि सऊदी अरब से भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं पाए माशाल्लाह से। तो हर लेकिन केक्स वगैरह डेजर्ट्स भी तो आप सब करते? जी हाँ, केक मतलब बेसिकली तो आपा मैं बेकर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने शेफ़ का कोर्स भी कर लिया, तो मैं शेफ़ भी बन गई थी। इसमें से यखनी में से सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये सौंफ मेरी सऊदी अरब की। वैसे भी आपा पुलाव में से मैं जो है ना सौंफ ज़्यादा डालती हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा डालती पुलाव में? हाँ, क्योंकि जैसे मेरी अम्मी कहती थी बेटा सौंफ का ही फ्लेवर इसमें आना चाहिए, तो मैं सौंफ ज़्यादा डालती हूँ। और आपने इसमें बादियान नहीं डाला है? बादियान नहीं डाला, बादियान तो अम्मी कभी भी नहीं डालती थी। मेरी अम्मी लोग कहते थे कि बेटा ये जो ख़ानदानी रेसिपीज़ होती हैं इनको तुम लोग सीखो, लिख लो। हाँ हाँ। तो हम लोग ये कहते थे कि आप लोग कहाँ जा रही हैं जो हम लिख लें, उस वक्त नहीं हम नहीं रियलाइज़ करते ना, बड़ों की अहमियत नहीं रियलाइज़ करते। और मेरी 2-3 चीज़ें ऐसी थी मेरी अम्मी की, तीतर, मेरी अम्मी बहुत मज़े का बनाती, तीतर बहुत मज़े का बनाती थी, मगर अच्छा सीख लूँगी, अच्छा सीख लूँगी, मगर बस वो। और आपका एक वो भी बहुत अच्छा बनता है ना, शकरकंदी की पूरी? पूरी हाँ, वो तो मेरी ससुराल की रेसिपी। अच्छा, ससुराल? हाँ, वो मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, वो तो बहुत ही। उसके अलावा मेरी सास मतलब मेरे ससुराल की एक है खशखश की सब्ज़ी, खशखश जो होती पॉपी सीड्स, हाँ हाँ, उसकी सब्ज़ी नाश्ते में खाते हैं लोग। सब्ज़ी? जी, मतलब उसको ना सब्ज़ी के स्टाइल में बनाते हैं ये लोग, और वो नाश्ते में रोटी के साथ खाते हैं। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा देखा मैं तो बहुत ही हैरान परेशान हुई, लेकिन बहुत मज़े की बनती है, तो वो भी मेरी सास की स्पेशलिटी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी, और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अच्छा, हमने जैसे यखनी चढ़ाई थी
उसमें हमने साबित अदरक लहसुन डाला था, एक अदरक का पीस और एक पूरा लहसुन। अब हम इसमें पिसा हुआ डाल रहे हैं। जब यखनी चढ़ाई थी स्टॉक मटन का, तो उस वक्त साबित अदरक लहसुन डाला था और अभी गोश्त डालने के बाद पिसा हुआ अदरक लहसुन जा रहा है, डेढ़ डेढ़ टी स्पून भर के। सबका घर का तरीका अलग है, अलग है खुशबू, अलग है तरीका, अलग है फ्लेवर, अलग है। और आपका पुलाव ऐसी चीज़ है जो हर आदमी बनाता है और हर आदमी मज़े का बनाता है, लेकिन वही आपका कहना कि सबके टेस्ट है। अब आप मेरा खा के देखिएगा, देखिए शायद आपको अलग लगे। तो ये आपकी ससुराली रेसिपी? नहीं, अम्मी की। अम्मी की, भोपाली मैंने बताया। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपका गर्म मसाला भी डालेंगे साबित, दोबारा से हमने यखनी में भी डाला था। और मेरी अम्मी का आपा जो चावल का अंदाज़ था वो ये था कि एक कप चावल तो दो कप पानी, ये एक उनका अंदाज़ ये था जो उन्होंने हमें सिखाया था, क्योंकि हम नालायक थे, वो वाली चीज़ हम नहीं सीखते थे। अम्मी लोग ऐसे सिखाती थी, वो हमें आता ही हाथ जलता था। तो ये अच्छा है कि एक कप आपने चावल डाला तो दो कप, दो कप पानी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उससे। अब साबुत गरम मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स, सारा जी हाँ सारा होल। और मैं इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्च भी डालूंगी, पिसी हुई काली मिर्च पिसी जी। और मैं पाउडर थोड़ी सी मैं इसमें ना हरी मिर्च भी डालती हूँ पिसी हुई, लेकिन आज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा बहुत तेज़ ना हो जाए। ठीक है, बस अब इसको जैसे देखें भुनाई पे आ गया ना, ऑयल हो गया, तेल ऊपर। हाँ, बस अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। हमारे जैसे 6 कप चावल हैं तो हम इसमें 12 कप यखनी डाल के और अब हम इसको बॉईल होने रख देंगे। जब ये पानी बॉईल होगा हम इसमें चावल डालेंगे। अच्छा, आप लोग यखनी पुलाव में आलू नहीं डालते? नहीं, यखनी पुलाव में हम आलू नहीं डालते और हल्का सा नमक तेज़ रखते हैं। अच्छा, हल्का सा, वरना फिर वो चावल ना बहुत फीके रहते हैं। अच्छा, बस अभी हो गया है, अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। यखनी आपकी गाढ़ अच्छी हुई है। ये मेरे 8 ग्लास निकले, बाकी में इसमें बैठते हैं जब तक ये उबाल आएगा। उबाल आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम बैठ जाते हैं। चलिए, आप थक गई होंगी खड़े खड़े। नहीं नहीं, सही है। अब आप इसमें उबाल आएगा तो आप चावल डालें। मैं इसमें चावल डालूंगी, उसके बाद जब तक इसका पानी खुश्क होगा फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी, बाकी चीज़ें डाल के। बाकी इसमें क्या चीज़ें? बाकी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, तो उसके बाद जब ये बिल्कुल बिल्कुल आखिरी के 5 मिनट रह जाएंगे तो थोड़ा सा केवड़ा और ये तली हुई प्याज डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रख के बस। उसके बाद हमारे साथ जो है मेरे यहाँ यानी अम्मी के यहाँ भी और मेरे ससुराल में भी पुलाव अकेला नहीं खाया जाता और रायते के साथ नहीं खाया जाता। कबाब के साथ शामी कबाब होना चाहिए, रायता भी हो लेकिन उसके साथ शामी कबाब ज़रूर हो। तो आज मैं आपको जो है शामी कबाब भी सर्व करूँगी और आपको रेसिपी भी बताती हूँ शामी कबाब की। हमने आपा 1 किलो ले लिया था बीफ की बोटी। अच्छा, बोटियों से बनाते हैं? जी, बोटियों से, सिल पे पीसती हूँ आपा मैं। ये राज है ना। 1 किलो मैंने ले लिया था बोटी, उसमें मैंने 1 बड़ी प्याज डाली कच्ची, 2 आलू, आलू कोई नहीं डालता कबाब में, मैं डालती हूँ और आज आप मेरे कबाब खा के देखिएगा। ठीक है, 2 आलू डाल दिए बॉईल करते वक्त ही। बॉईल करते वक्त, ठीक है। और 1 किलो है तो 1 किलो में आधा किलो से कम मैं दाल डालती हूँ, आधा किलो नहीं डालती मैं दाल, उससे मैं कम चने की दाल। अच्छा, और चने की दाल मैं कैसे डालती हूँ, साथ नहीं डालती, जब थोड़ा सा गोश्त गल जाता है ना फिर मैं चने की दाल डालती हूँ। ओके, ठीक है। और उसके साथ आलू डालती हूँ चने की दाल के साथ, और साबित वही साबित पूरा गरम मसाला जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अच्छा, गरम मसाला भी मैं इसमें भी पोटली बना के डालती हूँ क्योंकि वो पिस्ता नहीं है, राइट, तो मैं पोटली बना के डालती हूँ। और उसके बाद 1 प्याज डाली हमने और 1 छोटा लहसुन और 1 इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, वो भी साबित डाल दिया, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का साबित। अच्छा, आपने इसमें वो नहीं डाला हरा धनिया पुदीना, बाद में जब ये बहुत अच्छे से इसको मैं आपा फिर इतना गला लेती हूँ चूल्हे पे ही मथानी से ऐसे 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 करके कि बहुत गल जाता है। उसके बाद बस, हाँ, फिर सिल बट्टे पे आप 2-4 हाथ मारें
तो फिर ये हो जाता है। अच्छा, कच्ची प्याज मैं नहीं डालती इसमें, क्योंकि अगर हमने फ्रीज़ करने हैं तो वो कच्ची प्याज पानी छोड़ती है। अच्छा, तो बस उसके बाद आप इसमें अदरक डालें। तो कच्ची प्याज डालिए। नहीं, वो तो हमने पकने में डाली ना। अच्छा, इस स्टेज पे अंदर। हाँ, ओके, जब ये मैंने देखे सिर पे मैंने पीस के रख लिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पुदीना और अदरक। और अदरक ओके ग्रेट करके, उसके बाद एक अंडा डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, फिर मैं टिकिया बनाऊंगी और फ्राई करके आपको। नहीं तो आप अंडा इसमें मिक्स करेंगी या अंडे में डिप नहीं करेंगी? नहीं, मिक्स कर दूँगी। हाँ, मिक्स करेंगी। हाँ, अच्छे मिक्स कर दूंगी, मिक्स कर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दो चीज़ आपने सीखी आज फरजाना से, इनकी अपनी स्पेशलिटी। और जब तक चावल दम पे आ रहे हैं, कबाब फ्राई होंगे, हम आपसे मिलेंगे डाइनिंग टेबल पे, इनकी वहाँ लाउंज में टेबल पे, और मज़े मज़े के खाने चख के आपको मैं बताऊंगी कैसा लगा आपको। तो आप देखते रहिए जायके घर घर के। विल बी राइट बैक। गरम गरम पुलाव आ गया, फरजाना खुशबू यहाँ तक आ रही है। चले अब आप जल्दी से शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह। आप बैठे मेरे साथ? बैठ रही हूँ मैं। पहले आप मुझे बताएं अपना घर इतना खूबसूरत किसकी चॉइस का बना हुआ है? किसकी चॉइस का बना हुआ है? बनवाया या मतलब डेकोरेशंस? डेकोरेशन वाइज आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी बहुत शौकीन चीज, वेरी प्रिटी। चलें अब आप खूबसूरत। आप शुरू करें।